आगे बढ़ते हैं। राजेश जी काफी देर से बैठे, जी क्या कहना चाहेंगे राजेश जी? हेलो मैडम, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है। अच्छा, अभी ये मैं तो दूसरी बार आया हूँ आपके वहाँ पे। जी लास्ट टाइम क्या जो कहना फर्स्ट चाहेंगे? टाइम लास्ट टाइम जब आया था तो आपने बोला था कि कुछ कहने का है तो आप नोट डाउन करके रखो और पूरे जी साथ में बताने का, बराबर है? जी तो जी आपका यहाँ इसके लिए मैं आया कि आप पॉइंट टू पॉइंट और लॉजिकल बात करते हैं तो सुनने में और मजा आता है और बात भी चल अच्छी होती है। सही है, बराबर है? और जी आपका हैरिस जी है ना, और ये जो गुलजार भाई वो भी हिंदी में बहुत अच्छी तरह से क्लेरिफाई करते हैं, और गालिब भाई का भी मैं सुनता रहता हूँ। अच्छा जी और अब मेरा कहने का ये कि जब लोग आप डिस्कस करते हो ना तो आपका हिंदी और इंग्लिश चैनल दो है। जी हाँ, तो हिंदी में जब बोलते हैं ना आप एक्सप्लेन करते हैं ना तो कई बार एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन क्या होता है इस बीच में इंग्लिश वर्ड्स आ जाता है ना, तो जैसे जैसे आप बोलते हैं कि हिपोक्रेसी चल रही है या फिर डोगमा कोरमा फेमिनिज्म। मैं भी वीडियो देखता हूँ तो पूछ करके फिर डिक्शनरी में देख के, यार व्हाट इज फेमिनिज्म, मुझे कोई मालूम नहीं, फिर अंदर जाके देखता हूँ फिर पता चलता है यार ये तो इक्वेलिटी की बात करता है। तो यहाँ पे क्या है, पाकिस्तान है या फिर इतना इंडिया है, नेपाल है, जितना हो सके आप इतना प्योर हिंदी में बताए, जैसे गुलजार जी बहुत अच्छी तरह से एग्जाम्पल दे के क्लैरिफाई करते हैं, तो एकदम हिंदी में और प्योर हिंदी में आप बताएंगे ना तो आपकी बात सही हो, सही बात भी होगी ना, तो 1 मिनट में कोई भी आदमी को मतलब यहाँ पे जो लोग हिंदी बोलने वाले हैं उसको समझ में आ जाएगी। नहीं तो मैं इतना जानता हूँ समझता हूँ फिर भी ऊपर से जाता है पूछ करके, फिर डिक्शनरी देखना पड़ता है, मगर तो देखिए ऐसे इससे तो पता फायदा ये हो रहा है कि आप लोग नहीं। इंग्लिश भी सीख रहे हैं। हाँ मेरी आपकी वजह से ही मेरा थोड़ा तो इंग्लिश, ये जो डिबेट का इंग्लिश है ना, और दूसरी बात एक आप जो डिबेट करते हैं वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें एक चीज क्या होना चाहिए कि जब आप लोग बोल रहे हैं ना तो आप इतना स्ट्रिक्ट रूल्स रखो तो को जो सामने वाला जो बोलता है ना वो बीच में नहीं बोले, या फिर जो मैं जो बोल रहा हूँ तो आप मेरी तरफ सुन लो, मेरे को एक टाइम दे दो कि भाई आपको 2 मिनट दिया जाता है, या फिर अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या फिर आउट ऑफ लॉजिक या लीगल या फिर नॉनसेंस बात करता हूँ तो फिर आप मुझे ब्लॉक कर दो या फिर म्यूट कर दो तो चलेगा, बराबर है? जी वो और हम कोशिश करते हैं, अभी भी सारे सुन रहे हैं आपको। वो कभी कभार नगेंद्र पांडे जैसे लोग आ जाते हैं ना, जो अपने आगे किसी को बोलने नहीं देते, तो फिर उनके साथ हमें आवाज ऊंची करनी हाँ पड़ती है, उनको हटा देना पड़ता है। जी आप और क्या पॉइंट्स हैं आपके, आप बोलिए। और मेरा तो कहने का मतलब है कि आप लोग इतना ब्रेव है तो आप लोग चाहे कितने भी बात कर लो, लेकिन ये जो आपको कानून का भी सपोर्ट किसी को मिलता है, पॉजिटिव भी बात कर लो, आप ह्यूमैनिटिज्म की बात कर लो, लेकिन एक बेस्ट वे है ना तो कोई द बेस्ट वे तो डिफेंस इज एन अटैक। अगर कोई भी चीज दुनिया में कहीं भी हो रहा है ना तो अगर जैसे आप बोलते हैं कि ये दो वो कर दो, जब तक ऐसा नहीं होगा ना तब तक कोई बात रुकेगा नहीं, आप चाहे कितना भी ह्यूमैनिटी बात कर लो ना, जो लोग जो जो चीज कर रहे हैं ना उससे उसे डबल नेगेटिव करो ना तभी वो बात ठीक होगी, एक थप्पड़ मारते हैं तो चार मारो तभी बात काम होगी, वरना कोई भी चीज का सॉल्यूशन नहीं होगा। हाँ नहीं आई एग्री विथ यू। ये इन लोगों को स्पेशली, अब कल मैं उनको सुन रही थी, तारिक मसूद जी को, तो वो कहते हैं कि वेस्ट में से ये लॉ, ये सारे पुलिस वाले सारे हटा दो, देखो वहां भी लोग किसी तरह की हरकत नहीं करेंगे। अरे भाई जब ही तो यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लीगल है, पुलिस इन्फोर्समेंट है, यहाँ पर हेल्प है, इन लोगों ने बेहतर किया है ना। वो कहते हैं कि नहीं यहाँ है ही नहीं, मगर देखो यहाँ फिर भी कितने कम होते हैं। ये कहाँ की लॉजिक है? मेरी तो लॉजिक नहीं समझ में आती उस बंदे की। आपने सुनी वो गालिब कमारून की वो बात? आई वॉज जस्ट लाइक कि एक बंदा बात क्या कर रही है। नहीं, कौन सी मैं बात, जानना चाह कौन सी रहे थे, बात मेरे से पूछ रहे हैं? मुफ्ती मसूद ने जो बात की थी ना कि बाहर कंट्री में क्यों औरतों की हरासमेंट नहीं होती, क्योंकि वहां तो उनकी भूख नहीं होती, और दूसरी पुलिस हटा दो तो वहां पे भी जुर्म हो जाए, बाहर कंट्री में नहीं पुलिस है तो जुर्म नहीं होते, वो ये तो कहना यार चाह रहे यही थे तो कि दुनिया आपने में और उनमें इंसान फर्क कमजोर है है। ना, कि वहां पे पुलिस होती है तो नहीं होते, यहाँ पे पुलिस होती भी है तो फिर भी होते रहते हैं। तो ये मुफ्ती साहब को खुद ही समझ नहीं आया कि बात खुद ही उल्टी कर दी, कि भाई मतलब ये है कि इससे उनकी उनकी तो फिर भी बुराई नहीं हो रही ना, आपके यहाँ पे पुलिस है फिर भी यही हरकतें हो रही है। वो ये कहना चाह रहे थे सारे फरिश्ते होते हैं, इंसान ना, इंसान गुनाह गलत कर ही नहीं सकता, वो ये बेचारे कहना चाह रहे थे नहीं वो पुलिस कहना होती है चाह भाई। रहे थे कि नहीं, उनका मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो लोग नहीं कर रहे हैं, इवन दो लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है, वो अल्लाह के डर से नहीं कर रहे हैं। उनका हाँ मकसद ये था, वो कहते हैं अल्लाह के डर से नहीं कर रहे हैं,
मगर वो यहाँ पर अगर यानी हटा दो, इनको हाँ मुफ्ती यहाँ साहब को पर यकीन नहीं आया आके 400 बंदा जो है 400 का 400 जो है वो अल्लाह ने तो रोका रही है उनको। अच्छा ये शकील लॉजिक खान कह रहे हैं कि वकार जका जैसा भी है तुम्हारी तरह कैमरे के सामने सिर्फ बातें नहीं करता, वो कहता है वो करके दिखाता है। ओ भाई ये शकील खान तुम लोगों से अल्ताफ पैसे भी लेता है वो, समझ गए ना, हो फ्री में कुछ नहीं गए करता वो कहाँ तुम कहाँ लोगों का जाते काम, हैं वो फ्री लोड़ा ट्रिप काम पे। करता है फ्री में सिर्फ उसका, और कुछ नहीं करता तुम लोगों के अंदर से ऐसे ऐसी तुम लोगों को लगा लगा के पैसे कमा रहा है वो, और तुम जैसे चूतिया इंसान, शक्ल तो देखो ना तुम्हारी एज क्या है अभी, अभी तू नेकर से निकला नहीं है, वकार जगह यहाँ पे ये जो अभी है अभी ताना हमायत ताना करने आ अंडे से गया है। निकल के आया। अभी ये अभी तो अभी मौलवी ने नहीं अंडा दिया था उस अंडे से गिर अभी गया इसकी इतनी है, अभी तुम्हारी सिर्फ इतनी सी है, अभी इसको ग्रो करने की जरूरत है बेबी, तुम अभी जाओ इसको ग्रो करो। वो लतीफा मैं भाई आप लोगों क्या को एक करके सुनाता दिखाया हूँ। उसने, क्या करके वो दिखाया हमें भी लतीफा बताओ, पैसे जमा लतीफा करके दिखाया। हाँ लतीफा आपको एक सुनाता हूँ मैं। ये वाले कैसे पैदा होते हैं। वो एक मौलवी साहब थे, उनका जी अपेंडिक्स का ऑपरेशन निकल आया ना, तो मौलवी साहब जी हॉस्पिटल गए। तो जी अब हॉस्पिटल में उन्होंने उनका ऑपरेशन किया, तो मौलवी साहब एनेस्थीसिया पे इफेक्ट के अंदर थे। तो जी डॉक्टर ने एक बच्चा ला के ना इनके साथ लिटा दिया। बच्चा था कोई जिसका ढूंढ रहे थे, वो कोई अडॉप्ट कर ले, कोई कर नहीं रहा था, तो उन्होंने जा ला के लिटा दिया साथ। मौलवी साहब जब उठे तो मौलवी साहब ने कहा ये किसका बच्चा है। उन्होंने कहा जी ये आपका बच्चा है। कहते ये कैसे हो सकता है। तो आगे से डॉक्टर ने कहा जी बिल्कुल ये हो सकता है, ये कोई करोड़ों में से एक बार हो जाता है, तो आपके साथ ये हो गया है। क्या ये आप प्रेग्नेंट थे और आपका ये बच्चा जो हमने जा रहा ये पैदा हुआ है। अच्छा जी मौलवी साहब ने ले गए घर, बच्चा पालते रहे। एक दिन बच्चा बड़ा हुआ तो मौलवी साहब के जहन पे बड़ा बोझ था। मौलवी साहब ने उसे बुलाया, बेटा तुम आप मेरे बच्चे हो, मगर आपको एक बात बतानी है कि आप में मैं आपका बाप नहीं हूं, मैं आपकी माँ हूं। तो बच्चे ने सुन लिया, बच्चा परेशान होकर चला गया। 2-3 दिन बाद बच्चा आया वापस, मौलवी से पूछता अब्बा जी चले मैं तो आप तो मेरी माँ है, तो मेरा बाप फिर कौन है। तो मौलवी साहब आगे से कहते हैं वो फिर बड़े आफिस साहब होंगे। तो बड़े आफिस साहब ये हालात है इन लोगों के। हाँ या अजीज, मौलाना अजीज होंगे। तो ये मेरे ख्याल है अभी ये शकील खान है, ये ताजा ताजा किसी मौलवी के अंडे से निकल के आया है, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे। वो दूध वाला भी चलिए बहुत ही फनी इसने क्लिप कल डाला था, माली सुना था कि अगर कोई ले पालक बच्चा ले, तो मुफ्ती मसूद ने बोला कि अगर कोई ले पालक बच्चा ले ना, तो उसको कैसे महरम किया जाए कि अगर बंदे ने लिया है तो अपनी किसी सिस्टर से उसको दूध पिला दे। भाई कहाँ से ढूंढेगा सिस्टर, कैसा अननेचुरल है, ना उसकी जायदाद में हिस्सा देता है इस्लाम, ले पालक को कोई औकात नहीं है अडॉप्टेड बच्चे की। फिर कह रहा अगर औरत ने बच्चा लिया है तो किसी और से दूध पिला दे। ओ भाई ये तो मेडिकली प्रॉब्लम है, नहीं आ रहा तो क्या करोगे, आधी बात करता हो फिर हंसाने वाली ये कॉमेडी डाल देता है इस्लाम की। ओके आगे चलते हैं। राजेश जी थैंक यू सो मच, आप आए अच्छा बहुत और अच्छा लगा। हेलो जी हेलो हेलो। जी अच्छा मैडम एक क्या मेरे पास अब अगर यहाँ पे भी ऐसा वीडियो बहुत आता है, अब नॉर्मल वीडियो जो मतलब आप देख के भी ऐसा मतलब शौक हो जाएगा, ऐसा बहुत वीडियो आता है, अगर भेजने का है तो आपको कहाँ पे भेजूँ। आपके पास इंस्टाग्राम है? अच्छा हाँ हाँ है ना है। तो आप लोग मुझको इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर आप मुझको मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट यहाँ पर है। हाँ So, नहीं है मैं जानता हूँ, देखा है मेरे। आपने देखा है? हाँ तो मुझे जो भी आपको अगर भेजना होता है तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज दिया करें, क्योंकि यहाँ पे फिर भी मैं मैसेजेस चेक कर लेती हूँ। फेसबुक का जो मेरा पेज है वहां तो हजारों पे मैसेजेस आते हैं, वहां मैं देखती भी नहीं हूँ, और इतने गंदे गंदे आते हैं कि बस मत पूछो। किसी दिन बैठ के ना मैंने यहाँ पे अपना इनबॉक्स खोल के दिखाना है कि कितने मर्द जो है ना हमारे पाकिस्तान के अच्छे हैं, मैं बता रही हूँ देख के, और उसमें उल्टी आ जाएगी आपको। तो ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है गाइस, ये लोग आप लोग जाकर इसको फॉलो नहीं कर लो। लेकिन मैं जो भेजू वो प्राइवेट रहेगा, पता नहीं चलेगा कि मैंने भेजा। तो नहीं मुझे भेजेंगे तो मुझे ही पता चलेगा कि आपने भेजे हैं, और किसी को नहीं पता चलेगा। इंस्टाग्राम में जो आप मुझे इतना इंस्टाग्राम का तो मालूम, लेकिन इंस्टाग्राम का जो आपका जो अकाउंट है उसमें मैं लिंक भेजूंगा तो सिर्फ आपको ही पता चलेगा ना। हाँ वो आप मैसेजेस में जाना ना, वहां पे लिखा होता है मैसेज, तो मैसेज प्राइवेट मैसेज मुझे ही आएगा सिर्फ। मगर मुझे कोई अंडर एज बच्चे की कोई ऐसी वीडियो मत भेजना, अनलेस कि किसी का रेप का केस हो, मगर कुछ और ऐसा हो तो मुझे प्लीज वो मत भेजना, क्योंकि फिर वो यहाँ पे मैं जो फ्लैग हो जाऊंगी फॉर अंडर एज पॉर्न स्टफ, नहीं तो मैं नहीं चाहती हूँ नहीं कि मुझे आप ऐसा कुछ आए। जी अच्छा ओके ओके हाँ थैंक यू ठीक है चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू।